Now, this your question saying that what? A body project vertically from the earth reach a height equal to the earth radius. Equal to the earth radius before returning the earth. Motion is power. The power of the extracted by gravitational force each arrested. यहाँ पे कह रहा है कि the power extracted by gravitational force is arrested. इन चारों में से कौन आपके ऑप्शन होंगे कि कोई vertically है, एक कोई ऐसे प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्शन किए जाते हैं, मतलब कोई एक ऐसे बॉडी जो थ्रो किया जाता है, फेंका जाता है, इसे फेंकने से जो है रिच एक हाइट तक जाता है, मैक्सिमम हाइट तक जाता है, तो अब यहाँ पे अर्थ रेडियस तक फिर उसको वापस होने में रिटर्न होने में कितना पावर लेगा द पावर स्टार्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर फेंका एक रेडियस तक यहाँ से रिटर्न होने तक कितना पावर लगेगा तो जनरली पावर इक्वल टू यू नो फार्मूला क्या वीआई होता है आवर अपॉन टाइम ये होता लेकिन ये सब फार्मूला यहाँ लगेगा नहीं क्यों नहीं लगेगा भाई यहाँ पे वोल्टेज करंट वर्क टाइमिंग की बातें नहीं की गई है यहाँ पे बात किया गया जैसे यहाँ फेंका जा रहा है ऊपर से यहाँ से फेंका जा रहा है तो क्या लग रहा है फोर्स लग रहा है राइट फोर्स लग रहा है अब इस फोर्स के साथ जो है यहाँ पे क्या काम करता है रिटर्निंग के टाइम में गोइंग टू टाइम में पोटेंशियल क्या करता है पोटेंशियल दैट मींस हियर इज पावर इक्वल टू फोर्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी तो दैट मींस एफ इनटू वी राइट अच्छा वैसे फेंका जा रहा है इसका यदि हम एक वर्क लेते हैं एक्सिस लेते हैं एक्सिस x axis and y axis create angle 90 degree लेकिन यहाँ 90 degree होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं multiply कर देते हैं cos theta से यानी power equal to fs या फिर भी cos theta right अब इसके तीन condition होंगे 0 degree 90 degree 180 and 180 degree तो क्या कर रहा है question The power extracted by gravitational force is greater. किस पे अधिक होगा? Greater पर. तो यहाँ पर 0 degree पे. जब 0 degree put कीजिए, F V cos 0. का 0 को कितना तो वन होता है. यानी power equal to F V. F V. तो इसमें कौन आंसर होगा? कि just an instant before the body hit the earth. ये अर्थ को हिट कर देगा इंस्टेंट का तुरंत की बातें की जाएंगी तो योर ऑप्शन इन द दिस ठीक इतना सब में याद रखिएगा पावर इक्वल टू ग्रेविटेशनल में आइएगा तो पावर इक्वल टू फोर्स इनटू पोटेंशियल तो एफ वी कॉस थीटा कॉस थीटा जीरो ठीक है बाकी ये जो का रिमाइंड कांस्टेंट ऑफ द इंस्टेंट द जस्ट ऑफ द बॉडी प्रोजेक्टेड हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द बॉडी 90 है 180 का लेते हैं 180 तब 0 है ना तो 0 तक तो 0 तक नहीं तो इसमें से ये एट इंस्टेंट बिफोर द हिट नहीं होता तब यहां पे एट डिमांड कांस्टेंट आल थ्रू तब ये हो जाता बी वाला जाता राइट नो आज हम 90 पे पहुंचता तो एकदम सीधे जो है परपेंडिकुलर हो जाता देखिए इन द इलिप्स रिलेटेड टू द ग्रेविटेशनल व्हाट इज द सेम एरिया फर्स्ट लेंथ एल एरिया ए वन कौन है एरिया हमारा ठीक है एरिया ए वन एंड ए टू की बात देखी जा रही है ठीक है तो एरिया हमारा लेंथ में मेजर हो गया मिनर हो गया ठीक है इसको मैं ये सपोज कर लेता हूँ ए वन एल क्या सपोज कर रहा हूँ ए टू तो वहाँ पे लिखेंगे हम 4.5 इंटू 9.0 राइट अपन हियर व्हाट इज 4 इंटू 3 जैसे एंड टी वन अपन टी टू व्हाट इज द टी वन 4 टी टी इज अनोन हाँ ठीक है 3 जाते हैं 9 ठीक है बस इधर कौन हो जा फोर हो जा बच्चा वन अब फोर टू जा एट बच्चा टू फोर फाइव जा
20, राइट ना। और फिर देखें हम फोर्थ था 1.125 × 3 और 4t2, राइट। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसे टोटल डिवाइड कर देते हैं, तो t2 इक्वल टू 4 upon 3 × 15, 3 × 6 × 7, 3 × 3, ऐसे ना मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके डिवाइड कर दिया। नौ डेसिमल देखते हम लोग, 2 डिजिट मैक्सिमम 2 डिजिट जब ये 7 5 या 5 से मोड़ देना तब ये बैक इसको दे देता है, हाँ सिग्निफिकेंस में पड़े आपको 4 upon 3 7 8 के डेसिमल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई 2 डिजिट है ना, आपका डेसिमल रिमूव हो गया, हटा ऐसे इसको डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये 400 378 तो 378 बन जाए 378, तो 478 में से 378 माइनस कर देंगे, 400 में 378 माइनस कीजिए कितना आएगा, 22 आएगा, 22 का जीरो लगे कितना आएगा 120 जाएगा, तब भी नहीं जाएगा क्योंकि ये जो 378 है जो 120 है डेसिमल में यहाँ पे जीरो बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं जीरो तो कितना जगह 2200 हो जाएगा, राइट। अच्छा 22 साल का, तो सिंपल सा क्या करोगे यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 3 3.5 तो 4 के आसपास में मान लीजिए, मैं 4 के आसपास मान लीजिए, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24 ठीक हो जाएगा, तो डेट मीन्स 4 × 5 = 20 इतना से T1 इज द 1.05 बस हो गया। Reflection. Now, your next question is the same that what? A ruler contemplating the design such that the rider experience wet legs as they go round the top of the hill whose radius of curvature 20 meter and the speed of car at the top is the between. क्या होगा? मतलब यहाँ पे स्पीड आपका टॉप जब वो टॉप पे पहुंच रही हो यानी पहाड़ी पे से पहुंच रही हो तो उसका जो है करा की स्पीड कितना होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला आपको बताया जाए, उससे पहले इन शॉर्ट में देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये 20 है ठीक है 20 है तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया होता है इसका रूट में यहाँ पे आर जी ये सीधा कर दीजिए 20, वही चीज़ है कि ये भी हम बोला ना स्पीड डेट मीन्स वेलोसिटी, वेलोसिटी को स्पीड बोलते हैं, वी इक्वल टू इतना, यानी कोई बॉडी जब लोअर से ऊपर की ओर जा रही है तो उसमें वेलोसिटी का क्या ऑप्शंस होता है, वो भी जो है राइडर यानी घुमाने वाला जो राइडर है क्या, तो रूट में आर जी है यूज कर लेते हैं हम लोग, आर की वैल्यू कितना होगा 20 ठीक है, जी की वैल्यू 9.8 इसकी जो है इंटू लिख चलिए या इंटू कर लीजिए या इसका फैक्टर कर लीजिए, दो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसको इसमें इंटू कर लीजिए ठीक है 2 9 8 16 और 2 9 18 18 और 19 और यहाँ पर आपका इस तरह से इन हुआ तो 196 ऐसे हो गया ठीक है, आप लिखिए इसको ऐसे फैक्टर कर लीजिए 2 × 2 × 2 × 2 फैक्टर कर लीजिए, तो इधर डेसिमल में है तो डेसिमल में तो उसको किस तरह से करते हैं 2 × 2 = 7 × 7 देखिए ये हो जाए 49 आप 98 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर डेसिमल को 8 रिमूव करने के लिए हम लोग 10 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका इससे देखिए 2 5 जाए कट जाएगा, है तो वन पेयर है तो वन पेयर, तो एक टू ये और एक से बनी है यानी कितना 14 मीटर पर सेकेंड, या इस तरह से इसका इंटू कर लेते तब भी आप यहाँ हैंड आउट कर सकते थे ना, 196 इसका स्क्वायर रूट है, आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे 196 इज द स्क्वायर ऑफ द 14 देखिए तभी 14 हो गया मीटर पर
तो इन योर ऑप्शन इसमें से कौन सा सही है होगा आपका, कि कह रहा कि 40 से 50 मीटर के बीच में, तो 40 तो सही है, 15 तक कह रहा है, 15 से 16 से 16 से 30 से 40, तो मैक्सिमम आपका प्रोबेबिलिटी इसमें आपका आ जाएगा, क्योंकि 30 से 40 में कम से अधिक तक चल सकता है, मतलब कम से कम अधिक से अधिक, 40 से 15 तक जब एक बार श्योर आ जाएगा, तो इस तरह से। अदरवाइज यहाँ पे g को हमने 9.8 रखा है, आप और भी सटीक चाहिए तो यहाँ पे g की वैल्यू को आप इस तरह से भी तो यूज कर सकते हैं, ये 20 है, हाँ g की वैल्यू कभी कभी 10 भी तो पुट करते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो ये कितना आ जाएगा सिर्फ 200 हो जाएगा ना, तो 200 को इस तरह से भी तो निकाल सकते हैं आप, 2 × 2 × 5 इसका 2 × 5 हाई कॉमन पेयर, और ये कितना हो जाएगा, तो 2 × 5 ये एक 2 निकल गया, मतलब पेयर के साथ ये 5 और ये निकल गया 2, तो यहाँ पर जाए 5 हो जाए 10 √2, आपसे हमें इस तरह से भी रहता तो मैच हो जाता, लेकिन नहीं, लेकिन इसका रूट हो, इसकी वैल्यू होता है 1.414, इसका वैल्यू होता है, इतना चीज आप लोअर क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, रूट टू का इसकी मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा, डेसिमल कितने, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ कितना आएगा आपका 14.14, ये किसमें आएगा, इसी में आएगा ना भाई 14.14, इसी में लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये वाला आंसर, तो दोनों का अंतर समझ गए आप लोग, ठीक है, तो हम कंडीशन देखते हैं, यदि रूट में रहेगा तो आप ये 9.8 मत रखिएगा, दिमाग तुरंत लगा दीजिएगा, यदि ऑप्शन आपका गिवन का है रूट में तो डोंट रूट एज वेल इन डेसिमल, डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा आपको यहाँ पर भी आपका आंसर हो सकता था ना, यहाँ पे ऐसे रूट में देता 10 √2 तभी से ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इस तरह से आप इसको आपको फार्मूला मालूम है तो बस एक ही रूट में वी इक्वल टू रूट में आर जी इक्वल टू इतना लिख देना, लेकिन आप टारगेट पढ़ें तो इस तरह से काम करेगा, नहीं तो आपको पूरा इसको समझना कि ये कैसे कर रहा है, कि एक रोलर है, रोलर जो है वो ग्राउंड से जो है ऊपर की टॉप तक पहुंचता है, तो उसके लिए कितना होगा, तो उसके लिए हम फोर्स पढ़ते हैं ना, कि जब कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एम वी स्क्वायर बाई आर, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उस पर जो है एज वेल सरफेस पे टेंशन काम करेगा ना, टेंशन मतलब तनाव, हम किसी चीज़ को ऊपर ले जा रहे हैं, नीचे खींचने का जो काम करता है, मतलब अगेंस्ट में काम करता है, जब अगेंस्ट में काम करता है तो ये फोर्स है उसके लिए, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर, अब उसके किस्त में जो हमारा फोर्स है जनरली फोर्स है वो क्या हमारा क्या है, एम जी है, राइट, ये इसके लिए पुट कर दीजिए, क्या जाएगा एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, एम से एम नौ क्रॉस मल्टी आर जी है ना, हुआ आर जी इक्वल टू बी स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दीजिए, वही चीज़ हम हमने लगाया था ना, तो जब आप जान रहे हैं तो ये लगाने की जरूरत नहीं है, तो सेम पेपर के तरह समझ लीजिए, श्योर, ठीक है ना, दिस योर क्वेश्चन इज कंप्लीट, नाउ नेक्स्ट हम समझते हैं एक टॉपिक बड़ी अच्छी, कहा जाए लिसन सिंपल सा ये कहा जाए कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग जो सेंट्रीफ्यूगल हमारे फोर्स होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसके रीजन से ये कहा जाए कि आप वहाँ पर वेलोसिटी की बात करते हैं, तो जब वेलोसिटी की बात करते हैं तो रिवाइब्रेशन कितना होता है, रिवाइब्रेशन कितना होता है, कितना घूमता है विथ इन अ टाइम पीरियड, विथ इन अ टाइम पीरियड, तो ग्रेविटेशनल के लिए हम फोर्स आप जैसे यूज करते हैं, यहाँ पे आपका आ जाता है कि भाई जी यानी एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, आया सेंट्रीपेटल फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स के लिए क्या जगह यह वी स्क्वायर बाई आर होता है, राइट, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी अभी बाद निकालेंगे, टी इक्वल टू हम लोग निकालते हैं 2 पाई आर बाई
भी कि ये कितना रिवर्बुलेशन टाइम पीरियड लेके घूमेगा। नाउ एक सिंपल सा यहाँ पे M1 M2 है तो यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे लिख दूँ एम ई और एम लिख दूँ, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। एम ई स्क्वायर बाई आर एंड डी जी एम ई एम बाई आर स्क्वायर, क्लियर। एम टू एम कैंसिल है, एक आर से एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई अपान आर स्क्वायर रहेगा तो टू भी आ गया। अभी से क्या हमें मिट्टी निकालना ना, तो जब भी हमारा मान पड़ेगा तभी तो टी निकाल पाएंगे। तो अब बताइए टी टी इक्वल टू यहाँ पे टू पाई आर बाई वी, वी इक्वल टू हमें चाहिए, वी इक्वल टू इस तरह से निकला रूट में, यहाँ पर रूट में निकला, देखिए वी इक्वल टू इन द रूट, तो क्या दिमाग लगाओगे वाई नॉट स्क्वायर इन द बोथ साइड, यहाँ पे क्यों ना बोथ साइड स्क्वायर कर लें, पहला ऑप्शन स्क्वायर कर लें, अदरवाइज नहीं स्क्वायर यहाँ करते हैं तो यहाँ पे इसको रूट ना लगाए, इसको रूट ना लगाए तो क्या दिया बी स्क्वायर जी एम ई अपन आर, तो इसको दो बार में लिखना पड़ेगा तब यहाँ पे, जैसे ये भी है तो वी नीड टू एक बार और लिखेंगे ऐसे समझे। तो आप फ्री हैं एज वेल जैसे चाहें, तो मैं इसको क्यों स्क्वायरिंग कर लें अंदर बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो देखिए टी स्क्वायर टू टू जा फोर पाई स्क्वायर और दिस इज आर स्क्वायर है, आया हमने क्या लिया भी स्क्वायर एन हुआ। अब इसको हटने से अब जैसे यहाँ पे ऐसे भी अदरवाइज स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में गया ना, स्क्वायर हटाए तो वही चीज़ बसता आपका बी स्क्वायर इक्वल टू एम ई अपान आर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ टी इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर बाय बी की वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे जी एम ई अपान आर, राइट। कौन कटेगा ये इसके नीचे है इसमें से कुछ है, पूरा फन होता क्या करते हैं टी स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर बाई नथिंग इन द वन, इसको रोटेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका आर बाई जी एम ई, राइट। तो क्या यहाँ पर जाएगा आपका टी स्क्वायर इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम ई जी एम ई श्योर, ठीक है। कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का नहीं पड़ता है हमारा थ्री स्क्वायर जी एम ई इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर और क्या रहेंगे आर क्यूब, आर क्यूब से डिवाइड कर दीजिए तो टी स्क्वायर जी एम ई, ठीक है। आर स्क्वायर इन टू आर इस तरह से लिख सकते हैं, आर क्यूब से डिवाइड करें तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा फोर बाई आर स्क्वायर, अदरवाइज ये आर स्क्वायर यहाँ लिख दो और यहाँ पैसे लिख दो, ये कौन सा रूल हो जाएगा कैपलर का भाई स्क्वायर में क्यूबिक, मतलब एक ही सीधे नीचे लिख देते हैं इसका क्यूब पे लिख देते हैं क्या है दोनों करना, हम लोग ऐसे दो तरह से बना सकते हैं ऐसे लिख सकते ना। तो ये क्या एक कैपलर का पढ़ला हो गया भाई जी नहीं हो गया बाई इक्वल टू ये फोर बाई कॉन्स्टेंट, कई कई बार इसके नीट के क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो सिंपल सा आपको दिमाग में रखना होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे अकॉर्डिंग टू द सेंट्रीफोर्स, सेंट्रीफोर्स पे जब जाएंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी निकालना जरूरी रहेगा, वेलोसिटी निकालने के बाद क्या निकालना पड़ेगा हमें टाइम निकालना जरूरी होता है, ठीक है। ये टाइम निकालना बहुत सा क्लियर, ये दिस इज योर लास्ट मे बी आप योर ग्रेविटेशनल का टॉपिक आपका चल रहा है, ग्रेविटेशनल यानी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल में आप पढ़ते आए हैं सपोज कीजिए कि V
ही इक्वल टू माइनस जी एम ई अपान आर, ऐसे ना, ठीक है। अब इसी में मैं कहता हूँ कि जो अर्थ है या अदर कोई प्लैनेट है, इसके रेडियस है, ये हमारे आर। अब इस पे हाइट की बात मैं कर लूँ, हाइट एच, इसमें और बढ़ता जाए, कैपिटल एच, एच वन, एच टू, ऐसे बढ़ता जाएगा ना, चार इस साइड से ऐसे बढ़ ऐसे, तो ये एच हो गया, तो टोटल यहाँ तक कितना आ जाएगा, आर प्लस एच होगा। हाइट की बात कर लेते हैं हम, सिंपल सा एक तरह से हाइट भी कह सकते हो, रेडियस ही है, हाँ बढ़ता जाएगा यहाँ, और यहाँ तक लगा तो कितना आ जाएगा हमारा टोटल, आर प्लस एच, हाँ स्मॉल एच कैपिटल एच जितना रहेगा लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एच स्मॉल एच लगाइए, कैपिटल एच कैपिटल एच लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आर प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे इतना हो जाएगा, फिर ऐसे आर प्लस इतना हो आपको पड़ेगा। तो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल में हमने ये पढ़ा v इक्वल टू माइनस जी एम ई अपान, ठीक है। आप देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, जहाँ पे रिलेशन बिटवीन जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन बताया जाता है, वहाँ पे जी इक्वल टू क्या था, जी एम ई अपान आर स्क्वायर, कन्फर्म। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, तो ये तो पोटेंशियल का है, इसमें इसमें जो हाइट नहीं इंक्रीज करता है, जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल का हुआ रेडियस है उसमें बताया जा रहा कि इसमें हाइट नहीं इंक्रीज कर रहा है, बट इसी का जो हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल ग्रेविटी है, उस ग्रेविटी में हमारा ये देखा जाएगा ये इंक्रीज कर रहा है। यदि फर्स्ट पॉइंट पे आके देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या होगा, यहाँ पे ये होगा आर प्लस एच, यदि यहाँ पाएंगे तो क्या देगा आर प्लस कैपिटल एच स्मॉल एच, ऐसे और भी आगे जितना आएगा तो ऐड होता जाएगा, तो मैक्सिमम दो से तीन आते रहते हैं। तो आप इस जी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, जी एम ई एंड आर प्लस एच स्क्वायर, तो स्क्वायर लगेंगे, तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। कभी कभी न्यूमेरिकल देता तो इसको ओपन कर देता है, ओपन करने मतलब क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर एच, इस तरह से हेल्प ऑफ द पेपर कर देगा, राइट। अब कभी कभी रेशियो पूछता है, रेशियो में क्या पूछेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पर ग्रेविटी या ग्रेविटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इस तरह से पूछ लेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रेशियो भी पूछे जाते हैं, डिवाइडिंग, यदि मैं कहूँ डिवाइडिंग करता हूँ वन बाई टू, वन बाई टू मतलब एक इक्वेशन और दो इक्वेशन में, तो कितना आ जाएगा भाई, वी एम आर जी इक्वल टू माइनस जी एम ई अपान आर, और यहाँ पे जी एम ई अपान आर प्लस एच का कितने अपान है, फोर अपान। तो मैं आप लोग को बताया था पहला से कौन कटता है, तीसरा कट जाएगा, और दूसरा से चौथा, तो ये कटेगा यहाँ पे, नहीं कटेगा रूट में है, बहुत बार में ये आ रहा है, आर प्लस एच है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, यदि ऐसे कहा जाए तो ये ऊपर चला जाता है ना, फिर चौथा वाला आर प्लस एच का तो होल स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इससे इक्वल टू हमारा क्या है, वी बाई जी, ठीक है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे आर प्लस एच ऑफ स्क्वायर इक्वल टू बी आर बाई जी, आर यह टाइम क्या जाएगा रूट टू, तो आर प्लस एच इक्वल टू बी आर बाई जी माइनस, इन दोनों से कोई एक निकालना रहेगा, आप निकालना रहेगा तो यस इधर मूव कर दीजिएगा, आप लिख यस निकालना रहेगा तो यदि ऐसे लिखे बी आर बाई जी, क्या इधर मूव होगा, आर मूव हो जाएगा, राइट।
ठीक है। तो कंडीशन आपने क्या समझा, कंडीशन आपने यह समझा कि सर इफ पोटेंशियल ग्रेविटेशनल में हाइट हमारा इंक्रीज नहीं होता है तो आर यानी जी एम ई और उस ग्रेविटेशनल में ड्यू टू द एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल में हमारा आता तो ये इंक्रीज होगा, तो इस तरह लिख देंगे फिर दोनों का रेशियो। आपके माइंड में तुरंत फिर ख्याल आ सकता है ना, सर आपने सपोज किया कि यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेविटेशनल में हमारा हाइट नहीं इंक्रीज कर रहा है, बट सर ऐसा भी केस आ सकता ना दोनों में इंक्रीज करें, हाँ दोनों में इंक्रीज करें। और एक सर एक केस और भी हो सकता कि पोटेंशियल ग्रेविटेशनल में हाइट इंक्रीज करे बट एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में यहाँ पे हाइट इंक्रीज ना करे। तीन तरह से बनना है ना क्वेश्चन आप में, पहला केस में इसमें हाइट नहीं इंक्रीज कर रहा तो इसमें हाइट इंक्रीज कर रहा, दूसरा यदि इसमें हाइट इंक्रीज करे तो इसमें हाइट ना इंक्रीज करे, और तीसरा कि दोनों भी करे, राइट। तो तीन तरह से क्वेश्चन हो, जब इसमें इंक्रीज करेगा तो वही रेशियो सिंपल चलिएगा, ठीक है। आ इसमें नहीं किया तो यहाँ पर आर प्लस एस यहाँ पर सिंपल सा आर हो जाएगा, समझ में आ रहा, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में यदि मान लीजिए यहाँ पर मैं वो भी बता दे रहा हूँ, एक आप इस तरह कर लीजिएगा डायरेक्ट लिखूं वी अपॉन जी रेशियो में, तो माइनस जी एम ई अपॉन आर प्लस एच, इसमें भी आपको हो रहा है, ठीक है। इसका ये तो अलग ही का था अजी वाला जो अपन में यहाँ का क्या है ना, तो चौथा ऊपर लिख देते हैं और दूसरा तीसरा नीचे, तो यहाँ पे क्या है आर प्लस एच का इसमें होगा, ये ऊपर चला गया, आइए कर रहे नीचे जी एम ई। तो देखिए यहाँ से एक पार्ट एक कट जाएगा जी एम ई से जी एम ई कट गया, तो यानी माइनस का लिख लीजिए डी जी ट्वेल्व माइनस का क्या जाएगा आर प्लस एच, ठीक है। अब इसमें से कोई एक निकाला जाएगा तो माइनस, इसको निकालना है ये इधर हमें माइनस हो जाएगा, ये फाइंड आउट करो फिर इधर माइनस हो जाएगा, फिर माइनस कम हो जाएगा, इसमें भी सोचिएगा एक माइनस जो है आपका कहाँ गया तो ध्यान दे दीजिए माइनस जी ऐसे, श्योर ठीक। तो ये यहाँ पे तीन तरीके से आपके नीट में पूछे जाते हैं और जो पढ़ लेता बना लेता पढ़ने से बहुत अच्छे से लगा लेगा। हो गया ये क्वेश्चन इज द सेम द्वारा दी लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल सा आपको सोचना यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ए डिस्क के आप ए मास कैपिटल एम एंड रेडियस इन द आर अबाउट द टेंजेंट टू इट्स रिंग इन द प्लेन इज, वो प्लेन इज कितना होगा ये चीज इसमें देखना है। तो सिंपल सा आपको क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या रिंग है, सर्कुलर रेडियस काम कर रहा है, रेडियस आर है, दैट मींस आपका क्या बॉडी होना चाहिए एक
ऐसे होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अभी पहले हम समझते हैं, टेंजेंट यहाँ से, टेंजेंट दिस इज द पाथ टेंजेंट, दैट मींस टच करते हुए, पासिंग द टच, तो उसको हम टेंजेंट बोलेंगे। यहाँ से भी ऐसे टच कर सकता है, यहाँ से भी ऐसे टच कर सकता है, यहाँ से भी ऐसे टच कर सकता है, ठीक है, जब टच कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्सिया जबली आप देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग 1/4 mR² स्पेशली था डिस्क, लिख लीजिएगा मूवमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ डिस्क इज अ फॉर्मूला 1/4 mR², ठीक है, ठीक है। यह डिस्क भी इतना हो गया, आइए कि क्या कर रहा है, सिंपल सा जो मोमेंट ऑफ है वो क्या mR² है। तो 1/4 mR² एक बोली mR², यहाँ पर कुछ नहीं, तो कोफिशिएंट कितना आपका, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है, दोनों को सम आप कर दीजिए, कितना 1/4 और 1, तो 4 बन जाए 4, आप 4 1 5 5 4 mR² हो जाएगा। इस तरह से भी देख सकते हैं, अदरवाइज जैसे इसको आपको लिखना कि प्लेन पे कितना हमारे हैं I = यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर ये डिस्क के लिए है ID समझ रहे हैं, ID I5 इनर्सिया I² हो गया, ठीक है। कह रहा कि उस प्लेन पे कितना होगा, तो प्लेन पे कितना और रिंग द प्लेन, तो सिंपल ये डिस्क वाला हो गया एक सिंपल ID, ऐसे सिंपल समझ जाइए। तो दोनों में यहाँ पे इस तरह के दीजिए, ID का कितना है 1/4 mR² एंड दिस इज द, ठीक है। तो चाहे तो आप कॉमन लेके सॉल्व कीजिए, अच्छा इस तरीके से कॉमन इसी तरह सॉल्व कर दीजिए, नथिंग है तो यहाँ पर कुछ नहीं दुआना है, या इसके नीचे भी कौन सा क्वेश्चन थे लाइक टेकिंग द एलसीएम, जैसे एलसीएम में फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, फोर वन जब फोर आप फोर वन फाइव बाई फोर mR², ठीक है। तो ये आपका उस प्लेन पे इनर्सिया निकल जाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर, यहीं पे कभी कभी नाउ योर क्वेश्चन इज द सेम डेट वार, योर क्वेश्चन इज द सेम, फिर उस पर पैर रख रहा है, अभी कुत्ते को घूम जा रहा है, ए विंड विथ स्पीड 40 mps ब्लो फेलर टू द रूफ ऑफ द हाउस, द एरिया ऑफ द रूफ 250 m², अज्यूमिंग द प्रेशर इन साइड द हाउस इज एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द फोर्स एक्सर्टेड बाई द विंड, द फोर्स एक्सर्टेड बाई विंड ऑन रूफ एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी कितना होगा, ये चीज़ें सिंपल सा आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इससे आपने यहाँ डेंसिटी गिवन किया हुआ है, तो यहाँ पे क्या क्या किया ये चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। इसके लिए जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, फोर्स के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया F = क्या था आपका यहाँ पर, प्रेशर, इसका डिफरेंट ले लेंगे I * एरिया, या इसी को डेल्टा से पी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इन दोनों का डिफरेंट करने पे ½ρ V1² - V2² ऑफ द एरिया, ये फॉर्मूला होगा ना, पीछे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे इसी को इनपुट कर दिया, तो नाउ हाफ डेंसिटी इज द गिवन 1.2, राइट, इतना हो गया वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर, तो वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर कितना, बस यही एक ही दिया हुआ है, यदि V1 है, V2 नहीं दिया तो V2 = 0 ले लेंगे, एजुमिंग कर चला रहा उसके साथ चल रहा है, क्या बोल रहा है, एजुमिंग द प्रेशर इन साइड द हाउस ऑफ एटमोस्फेरिक द प्रेशर द फोर्स इफ विंड ऑन द रूफ, विंड ऑन द रूफ छत के बीच हुआ पे चल रहा, तो ऐसे कंडीशन पे हमें वेलोसिटी कितना जगह 1600 तो 40² 40 4 4 16 आ 2 0 हो जाएगा, राइट। नाउ ये 0 लिखना है, एरिया व्हाट इज एरिया 250, तो अब क्या करेंगे हम, सिंपल सा
देखिए ये तो इसको यहाँ पैसे कट कर लेंगे, ठीक है, टू सिग्नेचर, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25 150 मतलब 150, 2500 25 सचिव इतना आ जाएगा 150। आई जी नहीं है इसमें 30 लिखिए, ये लीजिए इसका इंटीमेट 150 ही होगा, आई जी रहेगा, आई जी रहेगा आपका 16 डबल जीरो ही हो जाएगा। इसको लिखना जो है आप 16 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा आपका 15225 होता है उधर 15 में दो से आए और उससे अधिक बढ़ जाएगी 9 9 30 225 और जो है 15 कितना आ जाएगा आपका 225 और 15 240 1 2 3 तो 10 to the power आपका 3 इसका मिला तो हो जाएगा तो 10 to the power आपका 4, ठीक है। तो इस तरह से आपका आखिरी में देखते हैं कि नहीं, लेकिन आपका क्या सिग्निफिकेंस फिगर क्या था, ऑलवेज द 1 point होना चाहिए, इसलिए हम कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका 2.4 10 टू द पावर आपका कितना 5 न्यूटन। एक चीज और ध्यान दीजिए, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड की बातें की जा रहा है एंड आउटसाइड की बात की जा रही है रूट पर, तो यहाँ पर डायरेक्शन इसका जब डायरेक्शन की बात हो रहा है, यहाँ पे इधर से भी विंड लग रहा है, इधर से विंड लग रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगा, इसको ऊपर उठाने का काम करेगा ना, ऊपर उठाने का काम करेगा, यानी फोर्स जो है 2.4 × 10⁵ न्यूटन विद द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो दिस इज योर 2.4 × 10⁵ आपका 5 न्यूटन 4.8 × 10⁵ न्यूटन डाउनवर्ड में है 4.8 नोट करते जाइए 5 न्यूटन ये भी अपवर्ड में है 2.4 × 10⁵ आपका 5 न्यूटन ये भी अपवर्ड में है ये 2.4 × 10⁵ आपका 5 न्यूटन डाउनवर्ड में है। This question is the saying that what a topic rate of heat produced oblique dq upon dt is a directly proportional of radius to the power 5। बट ये कंडीशन ये हमें समझना है कि यार ये कैसे होगा, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा ना हीट टर्मिनल कितने होंगे, हीट टर्मिनल के साथ साथ उसकी वेलोसिटी कितनी होंगी, यानी कितने टर्मिनल पे जो है उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। तो ऐसे में आइए देखते हैं हम लोग, वी नो दैट फोर्स इक्वल टू यहाँ पर 6π एटा एटा आर इंटू वी टी, ठीक है, वी टी इतना। तो सिंपल सा आपको ये देखना वी टी ऑफ द स्क्वायर लेते हैं, बट टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी में देखा जाए वी टी इंटू एटा इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा सिग्मा इंटू ऑफ द जी एटा को बाद में पहले से डिवाइड करता पड़ेगा वी टी इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर्स रो माइनस सिग्मा जी अपान एटा, ठीक। अब ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं फोर्थ में, इफ वी नो दैट अबाउट द
रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस में जो फोर्स होगा यहाँ पे रेट ऑफ हीट में जो फोर्स होगा एफ इक्वल टू सिक्स पाई एटा आर बी टी स्क्वायर एंड वाई बट टर्मिनल लास्ट में हमें जानते हैं बी टी इंटू एटा इक्वल टू टू बाई नाइन आर स्क्वायर सिग्मा आर ओ माइनस सिग्मा इंटू जी तो यहाँ से इतना से डिवाइड कर दिया इतना हो गया। अब यही बी टी की वैल्यू इसमें पुट करता है पुटिंग इन ऑन तो पुट करना तो फोर्स अब यही हमारा कन्वर्ट हो जाता है डी क्यू अपान डी टी तो सिक्स पाई एटा आर बी टी क्यू कितना आता है टू बाई नाइन आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा ऑफ जी बाई एटा ऑफ द स्क्वायर ये स्क्वायर 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 नाउ सिक्स पाई एटा आर टू पूजा हो नाइन एज ए टी वन आर पावर हो क्योंकि सब पे अप्लाई होगा ना इस पे अप्लाई इस पे इस पे ठीक है तो ये टू पूजा फोर और यहाँ पे रो माइनस सिग्मा का यहाँ पे ये पावर अप्लाई कीजिए टू ऑफ जी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर भी अप्लाई कीजिए एटा स्क्वायर ठीक है वन एटा से वन एटा इज कैंसिल राइट देखिए थ्री टू जा सिक्स आई एम पे थ्री टू जा सिक्स अब थ्री सौ देख लू तो बस क्या आपका टू बाई ट्वेंटी से बढ़िया इसके इसमें टोटल फोर्स हो जा एट बाई ट्वेंटी से मिल ठीक है आर पावर फोर एंड आर पावर फाइव हो जाएगा हमको वन है और यहाँ पर जाएगा रो माइनस सिग्मा का स्क्वायर आता अपान एटा क्योंकि दो एटा था एक एटा कट गया ठीक है तो यहाँ पे जो हमारा आ रहा फॉर्मूला यानी डी क्यू अपान डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब इसको कांस्टेंट सपोज कर लीजिए एट बाई ट्वेंटी सेवन रो माइनस सिग्मा का स्क्वायर ऑफ जी स्क्वायर अपान एटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट में आ जाता है आर पर कितना होगा फाइव वही आपको कॉन्सेप्ट था हमें ये सुना था डी क्यू क्वान्टिटी जो हीट होगी वो आर के पावर क्या जगह बस इसमें टर्मिनल प्लास्टिक के लिए आपको यह याद रख लीजिए डी टी इंटू एटा आफ द टू बाई नाइन आर स्क्वायर और सिग्मा और माइनस सिग्मा इंटू जी और इसमें जो आपका हीट प्रोड्यूस के लिए जो फोर्स होगा वह सिक्स पाई एटा आर बी टी स्क्वायर ये दो फॉर्मूला आप जो शुरुआत करें पेज में जरूर लिख दीजिएगा ठीक है इसी से हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं नाउ यहाँ पर डिस्कस की जा रही थी द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी तो टर्मिनल ऑफ वेलोसिटी के लिए जो हम लोग यहाँ से जानते हैं जी टी वी फॉर वेलोसिटी टी फॉर टर्मिनल विद एटा इक्वल टू टू बाई नाइन आर स्क्वायर सिग्मा रो माइनस सिग्मा ऑफ द जी ऐसा तो क्या द रेशियो की बात की जा रही है यानी दो में आपको होना चाहिए वी टी वन ऑफ फर्स्ट वी टी ऑफ सेकेंड ठीक है तो यहाँ पे भी क्या चेंज होगा रेडियस में चेंज हो जाएगा ग्रेविटी रो एंड सिग्मा सेम रहेगा। अच्छा यहाँ पे भी एक चीज आपको याद करूँ ठीक है कि ये जो है आपका एटा ये एटा ये आपका रो और ये सिग्मा ये क्या डेंसिटी जो शो करता है मेटल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल ले रहे हैं तो उसकी विस्कोसिटी कितनी है इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है ठीक है
तो यहाँ पर हमें ये देखना है रो जो है सिंपल सा आपका ये रो और विस्कोस डेंसिटी को शो करेगा, एटा जो है आपका कोफिशिएंट पार्ट में आ जाएगा कोफिशिएंट पार्ट में, और इसका जो है अंदर का जो विस्कोसिटी होगी उसकी शो करता है। तो यहाँ पे हम सब कुछ करते हैं डी टी ऑफ वन टू बाई नाइन आर वन स्क्वायर, चलिए यहाँ वन सपोज कर रहे थे यहाँ पर डायरेक्ट टू सपोज कर लेना टू एंड रो माइनस सिग्मा आफ्टर जी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ सेकेंड, यहाँ से चाहे इसको डिवाइड करके भी सॉल्व करें। अच्छा ऐसे डिवाइड कर देता है एटा का कटना कटना है कटना है, तो वी टी वन एटा और वी टी टू एटा यहाँ पर हो जाएगा टू बाई नाइन आर वन स्क्वायर एटा माइनस सिग्मा ऑफ जी अपान टू बाई नाइन आर टू स्क्वायर रो माइनस सिग्मा ऑफ जी, या यदि एटा से डिवाइड करते हैं तो नाइन एटा हो जाता है, यहाँ पर नाइन एटा आ जाता तभी इस तरह से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर लेकर तभी ये कैंसिल होता टू बाई नाइन एटा टू बाई नाइन एटा तो भी कैंसिल हो जाता, एंड दिस इज कैंसिल यानी टर्मिनल ऑफ फर्स्ट टर्मिनल ऑफ सेकेंड वेलोसिटी इज द आर वन अपॉन आर टू ऑफ द स्क्वायर, ठीक है ये होता फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बन जाता अबली वहाँ पर रेडियस पूछता है तो टर्मिनल का क्या कर दीजिएगा स्क्वायर का तो रूट में आ जाता है, यानी यहाँ पर देगा वी टी वन ऑफ वेलोसिटी ऑफ टी टू का टर्मिनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ द आर वन माइनस आर टू, इस पे आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं। बस यही चीज जो है द रेशियो ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी में आपको समझना था वी टी वन एटा इक्वल टू टू बाई नाइन आर वन स्क्वायर रो माइनस सिग्मा ऑफ जी, इसी तरह सिग्मा दोनों का रेशियो ले चले आ गया। अब से क्वेश्चन हम बता देते हैं नोट कर लीजिए, ना ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा केयर भी करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को अच्छे से। टू स्मॉल स्पेसिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मासेस आर मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो वन एंड रो टू, और यहाँ पे जो है रो वन किसके इक्वल कर रहा है एट रो टू इक्वल कर रहा है, क्वेश्चन में एट रो टू एंड हैव रेडियस ऑफ द 1 mm एंड 2 mm रिस्पेक्टिवली, दे आर मेड टू द फॉल वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, वरिष्ठ से गिराए जाते हैं ठीक है, इन विस्कोसिटी मीडियम हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल एटा, देखिए कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ हुज कोफिशिएंट, सबसे यही पे लाइन समझना बहुत अच्छे तरीके से, हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू एटा एंड डेंसिटी इज द जो इसकी डेंसिटी है वह आपका 0.1 आर टू द रेशियो ऑफ डीएफ टर्मिनल वेलोसिटी वुड बी, इसमें से कौन होगा। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा वी टी वन अपान वी टी टू आर वन अपान आर टू का क्या था यही पढ़ना यही था, लेकिन यहाँ पर रेडियस तो दिया हुआ बट यहाँ पे ये कब अप्लाई होता जब ये चीजें नहीं देता रिस्पेक्टली दे आर मेड फ्रॉम फॉल वर्टिकली फ्रॉम द रेस्ट, देखिए रेस्ट विस्कोसिटी मीडियम हुज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इक्वल टू द एटा, जो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ना क्या लिखते हैं रो माइनस सिग्मा, ये चीज यहाँ पे बोल रहा है, यदि ये नहीं रहता तो सिंपल ऐसे लगा देते, तो यहाँ पे सबका बारी बारी यदि आप निकालते हैं वी आप टर्मिनल वन टू बाई नाइन आर स्क्वायर और यहाँ पे रो माइनस सिग्मा ऑफ द जी,
तो 2/9 ये हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है आर आर वन लिख देते हैं, आर वन लिख दिए। अब आर वन लिख देते हैं, आर वन क्यूब कितना यहाँ हो जाएगा रेडियाई का 1 आएगा, 1 में इस पर तो 1 ही रह जाएगा। अब ये यही दो चीज इसमें समझिए, विस्कोसिटी मीडियम व्हिच कोफिशिएंट ऑफ द इक्वल टू एटा, एटा इक्वल टू व्हिच डेंसिटी आप कितना 1.1 इतना रो 2 आप दिस इसमें से कौन सा होगा। ठीक है, ये चीज इसमें है। अब देखिए डेंसिटी यहां दे रहा होगा क्या r1 एंड r2, तो r1 एंड r2 में से ये दोनों एक दूसरे के क्या कर रहे हैं इक्वल है। तो जब इक्वल है यानी इसकी वैल्यू यहां हम पुट करेंगे, तो जब पुट करेंगे तो देखिए यहां पे ये चीजें हैं 8 √2 माइनस यहां पे कितना है 0.1 √2, ये टेक्निक था इसमें। ठीक है, बाय एटा यहां पे लिखिए चाहे यहां डिवाइड कर दीजिए, यहीं पर देते हैं आसानी से कर जाएगा। इज अ फर्स्ट इक्वेशन राइट। नाउ वी टी टू ऑफ एटा 2/9 एफ का देख आर वन है तो आर टू का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर कितना 4 है, जब 2 है तो 2 का डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते कितना जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ पे कोई चीज रहेगा रो माइनस सिग्मा जी, तो रो के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे आप, रो के लिए पाला में आपका इतना था, पाला के लिए इतना था हाँ। अब दूसरे के लिए कितना आ जाएगा आर टू के लिए, तो आर टू यानी यहाँ पे रो टू माइनस 0.1 √2 अब द जी, यही चीज ध्यान दीजिएगा ये पाला के लिए था, आर वन लिख लिए थे और यहाँ पे इतना, यहाँ पे दूसरा रहेगा इसी तरह यहाँ पे रो टू एंड सिग्मा टू। तो यहाँ पर हो जाएगा भाई सेकेंड इक्वेशन, यानी यहाँ पे रो वन की वैल्यू और यहाँ पे आपका सिग्मा था, तो रो की वैल्यू यहाँ पे ये था 8 √2 और ये जो दे रहा है इसी के इक्वल करके दे रहा है। देखिए व्हिच डेंसिटी, जिनकी डेंसिटी कितनी है भाई 0.1 ऐसे पहले का, और दूसरे में था हमारा रो टू माइनस सिग्मा टू, तो रो टू के लिए यहाँ पे क्या बोलिए रो टू है, तो रो टू ऐसे में हम फिट कर देगा आपका 0.1 ऐसे, तो वही से देखिए हम फिट कर 0.1 हाँ। अब यहाँ पे रेस क्या क्या कर रहा है, ये रेशियो ऑफ रियल टर्मिनल वेलोसिटी वुड बी, तो यहीं पे डायरेक्ट डिवाइड कर दें, तो देखिए दिस दिस कैंसिल एटा से एटा कैंसिल, तो यहाँ पे बी टी वन और यहाँ पे जाएगा बी टी टू, देखिए 1/4 हो गया, आई जी से जी भी कैंसिल। यहाँ पे देखिए 8 √2 में से 1.1 माइनस कर रही है, तो क्या हो जाएगा 7.9 √2 आएगा ना, सिंपल सा माइनस कर देंगे इसे 8 में से, आप ऐसे पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं ना, 8 को इस पर लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका 0.1 देखिए इसको कह देगा। ठीक, अभी मान लीजिए मान लिया, फिर यहाँ पे कितना जाएगा आपका यहाँ पे 0.9 क्योंकि ये 1 है ना, ऐसे 1 ऐसे लिख सकते हैं इसको कह देगा ना, तो टेन सुन लेना है आप इस, तो यहाँ पर होता है दिस दिस मतलब रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या आपका 1/4 × 7.9 तो डेसिमल मैं रिमूव कर दिया डायरेक्ट, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 7 × 9 = 79 हाँ, यानी 4 × 9 = 40 इसमें टेक्निक था, यही वाला चीज, यदि यही चीज यहाँ पर नहीं दे रहा तो आप सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज कर लेते, आपके बच्चे यहीं पे डायरेक्ट रेडियो दे दिया है, वन दे दिया टू दे दिया, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। ठीक
है, अगर इसमें रहता आंसर में 14 भी यार मार देते, लेकिन देखिए संदेह से इसमें दिया भी नहीं है क्वेश्चन। तो इस तरह से क्वेश्चन पर सब बार क्वेश्चन को पहले डीपली स्टडी कीजिए, तुरंत आपको ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो आपके अंदर खुद वो माइंड में आ जाएगा सोल्यूशन, तो समझिए हाँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं कोई भी इस तरह से क्वेश्चन होता है। ठीक है, थोड़ा सा यही बारीकी इसमें था, इससे पहले जो एक्सप्लेन किया गया उसमें जो है आपका रो सिग्मा और व इक्वल था एटा, लेकिन यहाँ पे नहीं इक्वल है। तो इसके कोफिशिएंट जान लीजिए, होस्ट कोफिशिएंट विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के लिए यहाँ पर एटा इसको ये एटा है, एटा की विस्कोसिटी है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हो गया इसका हो गया। ठीक है, अब वहाँ पे रो है, डेंसिटी है, डेंसिटी आप मेटल वोटल जो भी चीज़ दिया है यहाँ पे मेटल है मेटल लिख दीजिए तो बचा क्या है सिग्मा बचा, तो भी जो उसका विस्कोसिटी है किसका विस्कोसिटी ऑफ बॉडी का रेडियल और बॉडी है या कौन सी बॉडी एक और बताते हैं फिर जय श्री राम जी की। दिस इज योर दिस क्वेश्चन इज द सेंडेड व्हाट इज हियर द गिवन थ्री लिक्विड डेंसिटी रो वन रो टू रो थ्री विथ रो वन इज ग्रेटर देन ऑफ रो टू एंड रो टू इज ग्रेटर देन ऑफ द रो थ्री हैविंग द सेम वॉल्यूम ऑफ सरफेस फ्रिक्शन इज द टी अराइज टू द सेम height in three identical perpendicular, the angle of contact theta created theta 2 and theta 3, then obey. ये कौन सा rule follow करेगा? SN formula follow करेगा। SN formula में आपको ये बताया गया है कि v equal to 2s cos theta root g h, यहाँ पे t की बातें कर रहा है तो t हो जाएगा, तो वी या यहाँ पे एस का मल्टीप्लाई इससे हाइट की बातें है ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एच इक्वल टू टू टी कॉस थीटा रो जी। ठीक है, रो जी भी थिंकिंग आपको ये करना है कि यहाँ पे जिक्र है कि इसकी जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या है इज ग्रेटर देन है, यहाँ पे इज ग्रेटर देन ऐसे, तो डेट मीन्स जो इस एंगल होगा एंगल थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री वो जो है कैसे हमारे यहाँ पर इक्वल होते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया थ्री हाइट, हाइट की बात है हाइट आइडेंटिकल कैपेबिलिटी द एंगल ऑफ दिस पहले की ये है एच वन पी वन राइट और थीटा वन हो जाएगा बाकी सब पहुँचते हैं एच टू टू थीटा टू कॉस थीटा रो जी थ्री एंड एच एच थ्री टू टी थ्री कॉस रो जी थ्री। ठीक है, तो इसके थ्री आइडेंटिकल कैपेबिलिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप यहाँ पे थीटा वन थीटा टू एंड थीटा थ्री तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे एच वन इक्वल टू एच टू एंड दिस इज एच थ्री टू टी कॉस थीटा वन बाई रो जी भी टू थीटा टू कॉस थीटा आई रो जी भी एंड सिमिलर टू टी थ्री रो जी। तो डेट मीन देखिए ये कॉमन ले लीजिए सब में कॉमन हो जाएगा कहीं टू टू भी कॉमन हो जाएगा टी वन कॉस थीटा वन टी टू कॉस थीटा टू एंड टी थ्री कॉस थीटा। ठीक है, तो डेट मीन्स यहाँ पर जब एंगल हमारा ये सॉरी डेंसिटी जब मोर दे रहा है तो ये एंगल जो होगा इसका लेस देन बनना शुरू हो जाएगा, जितनी डेंसिटी अधिक होगी उतनी एंगल क्या होगी कम होती जाएगी। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएंगे विद द क्रिएटेशन ऑफ द 90 यानी थीटा वन आप इज लेस देन थीटा पर टू लेस देन थीटा थ्री आप लेते हैं टू द पाई बाई टू, तो यानी इसको और भी सटीक से लिखना है लिख दीजिए थीटा
लेते हैं, बल्ली चीटा कर लेते हैं। Incoming voice call from Sheshnath Bajaj Muni G on SIM Vodafone. Incoming voice call from Sheshnath Bajaj Muni G on SIM Vodafone. Incoming voice call from Sheshnath Bajaj Muni G on SIM Vodafone. Incoming voice call from Sheshnath Bajaj Muni G on SIM Vodafone.